जी, सभी प्रेस वालों को सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद कि आप सब यहाँ पधारे। मैं थोड़ा सा लेट हुआ, मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश करी गई, काफ़ी ट्रैफिक जैम लगे थे। मजाक कर रहा हूँ, किसी ने जानबूझ के नहीं रोका होगा, ट्रैफिक जैम काफ़ी लगे थे। मैं मोटरसाइकिल पर चढ़कर यहाँ पर आया हूँ। एक अब्दुल राव मेरे रास्ते में मिले, उनके स्कूटर पर मैं बैठा और तब यहाँ पहुँचा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सब ने इंतज़ार करा, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी का सैनिक सम्मान अभियान शुरू हो रहा है, बल्कि आज नहीं, शुरू तो ये 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और 3 मार्च तक ये चलेगा। इसके अंदर बैठकें होंगी, हर जिलेवार बैठकें होंगी और विधानसभा में फिर कार्यक्रम चलेगा। जिला सैनिक संपर्क सप्ताह ये 10 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा, उसमें विधानसभा के अंदर संपर्क सप्ताह ये मनाया जाएगा। 15 फरवरी से 1 मार्च विधानसभा के अंदर सैनिक सम्मान समारोह करा जाएगा, जिसमें सेना संघ मोदी सरकार सुरक्षित हुआ देश परिवार, और किस तरह से इस देश को सुरक्षा मजबूत कराया जा रहा है इसके ऊपर चर्चा भी होंगी, और हमारे सैनिक भाई, पूर्व सैनिक भाई इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। 15 व 16 फरवरी को शहीद स्थलों की स्वच्छता विद सेल्फी व वृक्ष लगाना, हर गांव के अंदर राजस्थान में कम से कम आपको हर गांव में शहीदों की स्मारक मिलेगी, उन शहीदों की स्मारक को साफ करा जाए, उनके साथ सेल्फी हो, सम्मान दिया जाए और वहीं पर ही आसपास वृक्ष लगाए जाए सौंदर्यकरण में, उससे सभी नौजवान जो उस गांव में रहते हैं वो भी जिस वीर गति को हमारे सैनिक प्राप्त हुए हैं, जिस तरह से उन्हें आज सुरक्षित हमें जीवन दिया है, वो भी याद करें, और वो भी सभी नौजवान हर तरह से देश की सुरक्षा में, देश को मजबूती करने में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हों। 24 व 25 फरवरी को सरहद पर, सीमा पर सैनिकों का अभिनंदन होगा। ये जिला श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में होगा। और फिर 2 मार्च को हर विधानसभा में सैनिकों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, बड़ी मात्रा में उसमें नौजवान भी शामिल होंगे और वो इस मोटरसाइकिल रैली को सफल बनाएंगे। ये जैसे मैंने कहा कि 15 जनवरी को शुरू हुआ, 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर पार्टी नेताओं द्वारा अभियान लॉन्च किया गया था और पार्टी के नेता द्वारा शहीदों के घरों पर संपर्क करा, देश के लिए शहीदों के परिवार द्वारा किए गए बलिदान के लिए आभार व्यक्त किया। शहीदों की पूर्व स्थापित प्रतिमाओं का माल्यार्पण भी करा गया। 3 मार्च राष्ट्रीय रक्षा दिवस पर शौर्य पर्व मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के नेता, पूर्व सैनिक, उनके परिवार एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर टीमों का गठन होगा और अभियान के लिए जिला प्रभारी जो है वो कार्यशाला भी लगाएंगे। आज ही कार्यशाला यहाँ पर राजस्थान की हुई और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों की गाथाओं पर वीडियो गीत के माध्यम से राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ाया जाएगा। कुछ पूर्व सैनिकों को सम्मान भी करा जाएगा, जैसे आपके सामने अभी हुआ। ये बड़े रूप में एक अभियान हमने छेड़ा है, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि देश को और मजबूत बनाने की एक नई दिशा जो देश ने ली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा नेतृत्व जो आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला और उसके अंदर हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को अपना योगदान देना आवश्यक है, तो ऐसे नागरिक, ऐसे भारतीय जो कई सालों से ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं और भारत के लड़ते आए हैं, ऐसे पूर्व सैनिक आज पूरे के पूरे पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इसीलिए ये अभियान 1 महीने का हमारे पूर्व सैनिक चलाएंगे। इस पे और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पार्टी जो अभियान चला रही है, केंद्र सरकार भी इस तरह का अभियान चलाएगी, आपकी सरकार है तो कैसा रहे? आपका विचार है, मैं वहां तक लेके जाऊंगा।
लेकिन अभी पार्टी चला रही है अभियान। जी और कोई प्रश्न? तो थोड़ा अलग में करेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि अलग हटके है तो अलग से करेंगे। जी मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मैं एक ही रोल में कैसे रह सकता हूँ? मैं भारत का सैनिक हूँ, भारत का सैनिक भी हूँ, भारत का खिलाड़ी भी हूँ। जी और कोई? जी और कोई सवाल हो जर्नलिस्ट द्वारा? देखिए ये चुनाव के अंदर क्या परिणाम रहे पहले, उसके वो अपना अलग एक चर्चा का विषय है। कई बार जो कारण रहते हैं पार्टी उसका उसके ऊपर चिंता करती है और उसमें कुछ दुरुस्तीकरण करना होता है, कुछ सही करना होता है तो उसको सही भी करती है। लक्ष्य आज अभी राजस्थान का नहीं, अभी लक्ष्य हिंदुस्तान का है, जिसके अंदर राजस्थान, असम, अरुणाचल सब शामिल है, और उसके अंदर हम सबको मिलकर, चाहे हमारी कोई भी जात हो, चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, चाहे हम किसी भी प्रांत से आते हैं, हम सब भारतीय हैं। और आज भारत का नाम और ऊंचा करना है और भारत को और मजबूत बनाना है, उसके लिए पूर्व सैनिक लगेंगे। मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई अभियान और हो नहीं सकता, इसलिए मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किसी भी देश को सुरक्षित रहने के लिए, और जब मैं बोल रहा हूँ किसी भी तो यानी विश्व में किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना तो साथ में जुड़ती ही है हर तरह से, लेकिन यहाँ पूर्व सैनिक है हमारे साथ, सेना नहीं है। तो पूर्व सैनिक भी अपने मन में कई विचार रहते हैं, कई भावनाएं रहती हैं, जो जब सैनिक वर्दी में होता है ऊपर से नीचे तक बंधा होता है, ऊपर टोपी होती है, बीच में बेल्ट होती है, नीचे जूते होते हैं, चारों तरफ से बांध दिया जाता है, तो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। आज जब खुल जाता है सैनिक तो विचार प्रकट करता है, और किस तरह से राष्ट्रीयता, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आता है वो खुले रूप में दिख रहा है। अलग से बात करेंगे अपन। देखिए हमने एक मिनट मैं बात कर लेता हूं, हमने हर वर्ग को ये जो प्रश्न अभी उठाया, एक सेकंड में बात कर लेता हूं, अभी जो प्रश्न उठाया वो ये प्रश्न था कि मकानों को जो स्वतंत्रता संग्राम में रहे उनके मकान देने की बात आपने कई प्रश्न रखी कि वसुंधरा जी ने मकान देने की बात रखी थी। हमने उन्हीं को नहीं, हमने हर वर्ग को करा। जितने मकान लोगों के लिए, जो गरीब वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, जो जरूरतमंद थे, आजादी से आज तक नहीं बने उससे ज्यादा मकान हमने पिछले 5 साल के लिए अंदर बना दिए। हर गांव के अंदर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिलेंगे। ऐसे लोगों के पास मकान बन रहे हैं जिनके नीचे उनकी खुद की जमीन नहीं होती थी पांव के नीचे, आज सर के ऊपर उनकी खुद की छत है। मैं पता करूंगा, चिंता की बात है। देखिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने में, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन तरीके अपनाने में न केवल वो भारतीय जनता पार्टी को रोक रहे हैं बल्कि देश की तरक्की को भी रोक रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।
आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, पश्चिम बंगाल के अंदर कई केंद्र सरकार की जो योजना है उनको रोका जा रहा है कि वो वहां पर शुरू ही ना हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से जिस गति से काम हो रहा है केंद्र सरकार का वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये सारे विपक्ष को आज चिंता हो रही है कि एक ऐसी सरकार है जो बिना स्कैम और बिना घोटाले के सरकार चला रही है, उनको ये चिंता हो रही है ये कैसी सरकार है जो खुद भी नहीं खा रही और दूसरों को भी नहीं खाने दे रही। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। हमारे सारे दुश्मन आज, सारे के सारे देश के दुश्मन आज इकट्ठे हो चुके हैं। तो बड़ा बढ़िया अवसर है आपके पास, एक शानदार अवसर है आप सबके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो जन आकांक्षा नहीं है, वो खुद की आकांक्षा है। वो खुद की आकांक्षा रैली है वहां पर कि किसी तरह से हम बच जाएं, किसी तरह से ये वाला 2019 का चुनाव ऐसे चला दें कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नहीं आ पाए, ये वो चला रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहकर फिर 5 साल और जी लें। क्योंकि उन्हें पता है 2019 के अंदर हमारी सरकार आएगी और विपक्ष जिस तरह से देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि 2019 से पहले भी इसके अंदर बाजौर जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत जबरदस्त काम करा है और बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक जो इन बोर्ड्स पे थे बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन पहली बार शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे इसको गति मिलेगी और गति मिलने पर और बढ़िया तरीके से काम होगा और संगठित रूप से काम होगा। आप पूछिए, आप पूछिए, शुरू कर चुके। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। वैसे मैं अभी डेमो ट्रेन मैंने शुरू करी है, उसको रुकाव कनकपुरा में हो गया है, आपको बधाई हो उसका। डेमो ट्रेन जो मैंने शुरू करी उसका रुकाव कनकपुरा में हो गया, और भी ट्रेनें रोकनी है सब रोक देंगे। वो मैं रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ, जब मैं रेल मंत्रालय जाता हूँ, ये आप सुनिए, जब मैं रेल मंत्रालय जाता हूँ तो रेल मंत्रालय ऐसा अभियान चला रहा है कि ट्रेनों की स्पीड और तेज हो। जब ट्रेनों की स्पीड तेज करनी होती है तो जो ठहराव है वो कम करने पड़ते हैं, और रेल मंत्रालय का प्यून भी अभी मुझे जानने लग गया। जैसे ही मैं आता हूँ वो सब एक दूसरे को देख के बोलते हैं ट्रेन रोकने आ गया। मैंने बहुत ट्रेनें रोकी हैं अपने फुलेरा में, सांभर में, रेनवाल में, ट्रेनें रोक रहा हूँ। देखिए, उससे पहले कि वो अपनी नई योजना बनाए और उसका ऐलान करें, जो उन्होंने ऋण माफ करने का जो ऐलान करा था 1, 2, 10, वो 10 तो क्या, यहाँ पे तो अभी एक महीना निकल गया और उसके अंदर ऋण माफ नहीं हुआ। ये भी तय नहीं हुआ कि किस श्रेणी का किसानों का ऋण माफ होगा, क्या कैटेगराइजेशन होगी। ये भी नहीं बताया कि वो 90,000 करोड़ जो चाहिए ऋण माफ करने के लिए वो कहाँ से आएंगे। तो ये डेस्परेशन के निशान है। वो बीच बीच में जाते हैं, उनको कान में कुछ बोला जाता है, पूरा समझ नहीं आता, आधा बोल देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है, क्या करें, वो चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो आप निश्चित रहे, यहाँ योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उन्होंने बिल्कुल प्लान्ड तरीके से कमिटमेंट के साथ, आप देखिए हमारा रेवेन्यू जनरेशन बढ़ रहा है। ये जो GST लागू करा, जो नोटबंदी हुई, आज हर महीने 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपए केंद्र सरकार के पास आ रहे हैं। हर महीने 90,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं और पिछले महीने तो 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गए हैं एक महीने के अंदर। ये सारा पैसा किसके लिए है? ये सारा पैसा है ताकि जनता के पास सही रूप में इस पैसे को पहुंचाया जाए। जब एक परिवार के मुखिया को काम करना होता है तो आमदनी भी लानी पड़ती है। ये आमदनी पहले तो आ रही थी लेकिन चोरी होती थी, नीचे तक नहीं पहुंचती थी, कुछ खास लोगों के पास जो जाती थी, और कुछ खास लोगों में से कुछ बाहर भागे हुए भी हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। तो ये सारा काम चल रहा है बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से।